वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में, उसकी इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी। ठीक है, क्या निकालना है, मीन या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी, कि एवरेज वैल्यू कितनी होती है एक एसी की। ठीक है, एवरेज और मीन वैल्यू से हमारा मतलब है क्या होता है कि जैसे हमारे पास अगर हम एसी को ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लो कुछ और होगी, यहाँ पे वैल्यू इसकी कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। ठीक है, तो लगातार इसका मैग्नीट्यूड जो हो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो टू वैल्यू, यहाँ पे थ्री है। ठीक है, यहाँ पे वन और यहाँ पे फिर से टू वैल्यू आ, तो देखो मीन और एवरेज का मतलब क्या हुआ कि हम इन सभी का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 2, तो टोटल एवरेज वैल्यू कितनी बन जाएगी इसकी। ठीक है, कितनी बन जाएगी, 3 × 3 = 6 = 8, 8 / 4 कितनी आ जाएगी, 2। यानी कि इसका एवरेज वैल्यू जो है वो यहाँ पे कहीं पे लाइज कर रही है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो वो एवरेज वैल्यू नहीं होती इसकी, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे इसकी जो वैल्यू जो है एवरेज कितनी दे रही है ओवर ए हाफ साइकिल, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसको हम बोलेंगे आई एवरेज वैल्यू। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं मीन ओवर एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। अब देखो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की स्टेटमेंट क्या होती है, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले इस डेफिनेशन को जरूर अंडरस्टैंड करना, अगर डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी तो आर्टिकल तो इजीली हम उसको सॉल्व कर लेंगे। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इसकी एसी की मीन और एवरेज वैल्यू होगी, इज दैट वैल्यू, उस वैल्यू को बोला जाता है वैल्यू, इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। अब यहाँ पे छोटी सी टर्म इंक्लूड हुई है, किसकी, स्टडी करंट की। ठीक है, स्टडी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, स्टडी करंट मतलब कॉन्स्टेंट करंट, और कॉन्स्टेंट करंट किसमें फ्लो करता है, डीसी में फ्लो करता है। ठीक है, और ये जो हमने ड्रॉ की ये नोटेशन, ये किसकी नोटेशन है, एसी की। ठीक है, क्योंकि हम एसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इस तरीके से एसी आ रही है। ठीक है, इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, यानी कि स्टडी करंट की वो वैल्यू है एज विच सेट द सेम अमाउंट ऑफ द चार्जेस। अब यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो अब हम यहाँ पे अगर मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ, जैसे हमने पहले भी इसको ड्रॉ किया था, इसको मैं एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, सेम वही सर्किट को, उसी कनेक्टर को जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ किसके साथ, डीसी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ, ये डीसी सोर्स आ गया मेरे पास और ये अल्टरनेटिंग सोर्स आ गया। ठीक है, तो जब मैं इसको अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया और डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, तो क्या बोला इसने, द स्टडी करंट, क्योंकि डीसी में जो करंट फ्लो करता है वो सिंपल एक डायरेक्शन में ही करता है इस तरह से। ठीक है, एक डायरेक्शन की तरफ फ्लो करेगा, द स्टडी करंट सेंड द सेम अमाउंट ऑफ द चार्जेस, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे या फिर फोर्स चलेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मूव कर रहे हैं, तो क्या करें, चार्जेस को सेंड कर रहे हैं फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल। ठीक है, थ्रू चार्जेस थ्रू द सेम ए सर्किट इन अ सर्टेन टाइम, मान लो ये टाइम 5 सेकंड के लिए डीसी सोर्स जो है 5 सेकंड के लिए चार्जेस को सेंड कर रहा है, 200 चार्जेस सेंड कर रहा है। ठीक है, क्वांटिटी की तरफ डाटा मान लेते हैं हम, कि ये डीसी सोर्स जब हमने इस सर्किट के साथ कनेक्ट किया तो इसने जो चार्जेस सेंड किए कितने टाइम में, 5 सेकंड के टाइम में कितने चार्जेस सेंड किए, 200 चार्जेस सेंड किए। ठीक है, तो वो जो 200 चार्जेस सेंड कर रहे थे द सर्किट इन द सर्टेन टाइम इंटरवल, एज इट इज सेंड बाय, एज इज सेंड बाय एसी थ्रू द सेम सर्किट इन हाफ साइकिल, बोले ये जो चार्जेस सेंड कर रहा है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द सेम एसी सर्किट के लिए। ठीक है, विल बी इक्विवेलेंट टू द एसी सर्किट, एसी सर्किट भी उतने ही चार्जेस सेंड करेगा, बट कितने टाइम के लिए, फॉर द हाफ साइकिल। अब यहाँ पे बात आती है कि हाफ साइकिल की बात क्यों कर रहे हैं, हम कंप्लीट साइकिल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो
अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो करंट की डायरेक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगी, लेकिन जब ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, पोलैरिटी को चेंज करेगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे इसने 100 चार्जेस भेजे तो वापस भी तो फिर 100 चार्जेस आ रहे हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी चीज को थोड़ा हमने रिमूव करने के लिए क्या किया हुआ है, हमने हाफ साइकिल कंसिडर किया, ठीक है, कि एसी जो हाफ साइकिल में जितने चार्जेस भेजती है वो चार्जेस किसके इक्विवेलेंट होगी, उतने ही टाइम के लिए अगर हम डीसी सोर्स में उस बैटरी सोर्स को लगाते हैं तो उतने ही टाइम जो जितने चार्ज वो भेज देगा उसकी वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। फिर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मीन और एवरेज वैल्यू, ठीक है। अगर हम मैं यहाँ पे डीसी सोर्स मान लेता हूँ, ठीक है, डीसी सोर्स कॉन्स्टेंट चल रहा है यहाँ पे, डीसी सोर्स मान लेता हूँ, तो डीसी सोर्स यहाँ पे, तो बोलते ये जो एसी के अंदर जो एरिया बन रहा है ये एसी, ठीक है, क्योंकि टाइम और ये करंट, ठीक है, टाइम और करंट किसके इक्विवेलेंट होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, टाइम की इक्वेशन क्या होती है, यू इज इक्वल सॉरी आई इज इक्वल टू यू अपॉन टी, ठीक है। तो टाइम करंट इक्वेशन जो आपको रिप्रेजेंट करेगा वो किसको बताएगा, टोटल चार्ज को बताएगा, यहां से, ठीक है, यहां तक इस टाइम से लेके इस टाइम तक टोटल कितना चार्ज के अंदर जो एरिया बन रहा है, जैसे हम लोगों ने एक सिंपल से बताऊंगा बताता हूँ प्लस वन में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने देखा था कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर का एरिया जो होता है वो किस चीज पर रिप्रेजेंट करता था, वेलोसिटी के टाइम और एरिया किस पर रिप्रेजेंट करता था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन द सेम मैनर करंट टाइम एरिया अंडर दिस करंट टाइम विल रिप्रेजेंट द टोटल चार्ज, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट द टोटल चार्ज सेंड बाय दैट एसी, उस एसी में टोटल चार्ज कितने सेंड किए, ठीक है। और ये वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी अगर हम डीसी के सोर्स के साथ इसको ट्रीट करते हैं, डीसी का कुछ इस तरीके से बन रहा है, हाफ साइकिल यहां पे आ रहा है, ठीक है, हम हाफ साइकिल के लिए यहां पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा, तो यहां पे मैंने डीसी सोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, तो बोलते ये एरिया जो डीसी कंटेन कर रहा है ये दोनों का एरिया बोलते एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों का एरिया जो है एक जैसा ही रहेगा, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कि डीसी उतना ही करंट सेंड चार्ज सेंड कर रहा है जितना कि एसी जो है अपने फर्स्ट हाफ साइकिल में सेंड कर रही है, ठीक है। तो मीन और एवरेज वैल्यू जो है वो इसी से ही रिप्रेजेंट की गई है, मीन और एवरेज वैल्यू मतलब जो एवरेज करंट जो इसके अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। एवरेज करंट का मतलब जो इसकी ना तो लोस्ट वैल्यू होगी ना तो हाईएस्ट वैल्यू होगी, इसके बीच की जो एवरेज वैल्यू जो इसमें फ्लो करेगी, ठीक है, करंट की जो एवरेज वैल्यू फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये करंट की एवरेज वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे इसको एवरेज से रिप्रेजेंट करेगी, जबकि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हमने ये एवरेज वैल्यू निकाली है इसमें, तो दिस वन इज द मीन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। इस बात को समझ गए सभी, और स्टेटमेंट हमने इस किस तरीके से इसको लिखा हुआ है, किस तरीके से हमने इसको स्टेटमेंट को ड्रॉ किया हुआ है, उसी के बेस पर हमने ये डायग्राम के ऊपर सारा अंडरस्टैंड कर लिया कि बाय वी आर टेकिंग द स्टडी करंट, ठीक है, और द एसी सर्किट, क्लियर होगी बात की। तो दिस वन इज कॉल्ड द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डेरिवेशन, ठीक है। अब हम मीन और एवरेज वैल्यू को हमने डिस्कस की, उसकी स्टेटमेंट डिस्कस की, उसकी डेरिवेशन निकालेंगे कि ये जो मीन और एवरेज वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है, टू दैट ऑफ द मैक्सिमम करंट का कितना परसेंटेज होती है, कितनी वैल्यू उसकी होती है, कौन से पैरामीटर के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो वी नो द करंट इक्वेशन फॉर द एसी, एसी के लिए करंट इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, ठीक है। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसके बारे में हमने स्टडी किया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एसी करंट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसी करंट को। दिस वन इज द करंट एट एनी इंस्टेंट, वेयर आर दिस वन इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, एंड साइन ऑफ ओमेगा टी वी विल रिप्रेजेंट द किस इंस्टेंट के ऊपर आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है, उस पर्टिकुलर एंगल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने मीन और एवरेज वैल्यू में किसके बारे में डिस्कस किया, चार्जेस के बारे में डिस्कस किया,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्जेस को ही मेन कंसेप्ट कंसीडर करते हुए सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन पड़ी हुई है, दैट इज यहाँ पे सिंपल लिखो, वी नो दैट इज आई इक्वल टू डी टू अपॉन डी टी। हम इस इक्वेशन को क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि हम मीन और एवरेज वैल्यू की स्टेटमेंट में इसलिए देखा कि हम चार्जेस के अमाउंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि डीसी जो जितना चार्ज भेजेगा उतना ही चार्ज वो एसी जो है अपने फर्स्ट हाफ साइकिल में भेजेंगे उसको। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्टडी करें। तो हम देखेंगे टोटल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि टोटल चार्ज उसने कितना सेंड किया ओवर ए हाफ साइकिल। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू आर इन टू डी टी। तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन हियर, तो आप हम इस तरीके से लिखते हैं डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी टोटल चार्ज सेंड करेगी एसी अपने फर्स्ट हाफ साइकिल। और ये भी बताया आपको कि हाफ साइकिल क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में तो वो टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ पे हाफ साइकिल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ टाइमिंग आएगी टी हाफ साइकिल, जीरो टू टी हाफ साइकिल। तो हमें जब इस यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बहुत सारे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। स्मॉलर अमाउंट किसका है, डी टी, छोटे सा किसका अमाउंट है, डी टी का टाइम का। तो टाइम हम कहाँ से कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, जीरो टू टी हाफ, तो ये बन जाएगी जीरो टू टी हाफ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी सभी को। नाउ इसको आगे प्रोसीड करते हुए चलते हैं, तो हमारे पास डी क्यू का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, सिंपल क्यू के इंटीग्रेशन डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। अल्टीमेटली वी विल गेट हियर आई नॉट इज द कांस्टेंट वन, जो उसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन जब मैं कितना बचा है, जीरो टू टी हाफ टू साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू द दैट इज आई नॉट माइनस ऑफ कोस ऑफ ओमेगा टी, कितना आ रहा है ये कोस ऑफ ओमेगा टी, जैसे हमने डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन से पढ़े हुए हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू द माइनस ऑफ कोस थीटा। तो ये हमने देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल फंक्शन है इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो इसको फिक्स क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लिमिट लोअर लिमिट इज जीरो, अपर लिमिट इज टी हाफ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा यहाँ आ जाएगा बाहर निकालेंगे तो डी टी अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे, उसको माइनस साइन को बाहर निकाल दिया आई नॉट, और यहाँ से कितना बचा ओमेगा बचा, तो ओमेगा को मैंने क्या किया बाहर निकाल दिया, अंदर बचा मेरे पास कॉस ऑफ ओमेगा टी जीरो टू टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ये करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, पढ़ा हुआ है आपको मैंने, क्योंकि टाइम फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो टाइम फंक्शन से कैंसिल आउट करके इजी रह जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज आएगा माइनस ऑफ आई नॉट अपॉन ओमेगा, तो ये बन जाएगी मेरे पास वैल्यू कितनी, कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, जीरो टू टी हाफ, बट स्मॉल टी इज द टाइम एट एन इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट के ऊपर हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आई नॉट अपॉन ओमेगा, देखो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते पहले
cos ऑफ 2 पाई अपॉन t एज सच इनटू स्मॉल t की जगह क्या लिखेंगे t बाय 2 माइनस ऑफ cos ऑफ 2 पाई अपॉन कैपिटल t लोअर लिमिट कितनी है 0 समझाइए बात। तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन बन के आया पाई नॉट अपॉन ओमेगा ठीक है यहां से देखो t के साथ t कैंसिल और 2 के साथ 2 cos ऑफ पाई माइनस cos ऑफ 0 क्योंकि 0 के साथ इसने मल्टीप्लाई हुआ सभी के साथ तो सभी को कर दिया जीरो कर दिया ठीक है। तो अल्टीमेटली वी गेट टोटल चार्ज ओवर ए हाफ साइकिल इज माइनस ऑफ आई नॉट अपॉन ओमेगा ठीक है कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस ऑफ वन और कॉस जीरो की वैल्यू वन तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा टू माइनस ऑफ आई नॉट इंटू माइनस ऑफ टू अपॉन ओमेगा। सो टोटल चार्ज ओवर ए फर्स्ट हाफ साइकिल विल कम्स आउट टू बी आई नॉट टू टाइम्स ऑफ आई नॉट अपॉन ओमेगा ठीक है। ये बना हमारे पास इसी के थ्रू जो टोटल चार्ज इसमें पास होगा दैट इज क्यू इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा के इक्विवेलेंट आएगा ठीक है। इसको देखना जरा अच्छा यहां पे देखो ओमेगा की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट किए तो यहां पे भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई हो जाएगा कि 2 आई नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन टी ये ऊपर चला जाएगा ये ठीक है। तो यहां से देखो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा 2 विल कम आउट टू बी आई नॉट टी अपॉन पाई ठीक है। ये बन क्वेश्चन हमारे पास और सिंपलीफाई करके अब देखो यहां पे जब हम डेफिनेशन सबमिट की थी तो उस टाइम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ठीक है करंट को हम मान लेते हैं कि करंट जो पास हो रहा है ओवर ए हाफ साइकिल दैट विल कैन बी रिटन एज q इज इक्वल टू आई एवरेज ठीक है। किसके इक्विवेलेंट होता है टोटल चार्ज को सेंड करेगा इसी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द एवरेज वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा वो क्या हम एवरेज मीन और एवरेज वैल्यू को तो स्टडी कर रहे हैं ठीक है। तो टोटल चार्ज जो होगा उसकी जो करंट आएगा वो क्या होगा एवरेज वैल्यू होता है ठीक है विल बी इक्वल टू द कितने टाइम के लिए इसने इसको सेंड किया था t हाफ टाइम के लिए इसको सेंड किया था ठीक है। नाउ वी कैन इक्वेट दिस इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं मैं इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं तो यहां पे हम इक्वल कर सकते हैं इसको इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ठीक है। तो आई एवरेज t अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 क्यों की वैल्यू तब क्या आ जाएगी आई नॉट इनटू t अपॉन पाई। अब देखो यहां पे कैंसिल आउट क्या हो रहा है t के साथ t कैंसिल आउट हो जाएगा आई एवरेज विल कम सो टू बी 2 ऊपर जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट अपॉन पाई दैट इज द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। किसकी वैल्यू ये मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट और किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही है इनके ऊपर डिपेंड कर रही है 2 विच इज द कांस्टेंट आई नॉट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो किसके साथ है पाई के साथ इसको डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन वी विल गेट आई एवरेज विल बी इक्वल टू द 2 आई नॉट आई नॉट जो भी होगा हमारे पास ठीक है जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्योंकि हर एक में एम्पलीट्यूड जो होगा हर एक केस में अलग अलग भी हो सकता है क्योंकि वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। ओवर द पाई बी 3.14 तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी दैट इज 6.067 आई नॉट इक्वल टू 3.14 को डिवाइड किया से सॉरी 2 को डिवाइड किया 3.14 से तो वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस वन। तो आई एवरेज जो होता है वो कितना होता है परसेंटेज की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 67% ठीक है ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू यानी कि जो हमारे पास एसी की जो एवरेज वैल्यू आ रही है ये हमारे पास एसी है अल्टरनेटिंग सोर्स है ये ठीक है ये हमारे पास मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करता है आई नॉट को तो आई नॉट की कंपैरिजन में कितनी परसेंटेज होगी इसकी आई एवरेज की वैल्यू 67% ऑफ द टोटल करंट का 67% जो वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा आई एवरेज को यानी कि एवरेज करंट कितना इसके अंदर फ्लो करेगा ठीक है उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर होगी बात सभी को ये एवरेज करंट क्या होता है ठीक है क्योंकि करंट की वैल्यू लगातार वेरी कर रही है तो उसमें हमने एवरेज वैल्यू बता दी कि एवरेज करंट कितनी होती है। तो दिस इज द एवरेज करंट फ्लो ऑफ द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द एसी।
अच्छा यहाँ पर कोई सुप्रेशन चल रहा है, यहाँ 67 ही आएगा, ये आएगा 63.7, ठीक है। तो ये वैल्यू का टोटल परसेंटेज 63.7% है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 63.7% ऑफ द मैक्सिमम टोटल करंट की इक्विवेलेंट होगी, ठीक है।